हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। आज मैं लेकर आई हूँ नमकीन चिवड़ा की रेसिपी और इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं ताकि आप इसे महीनों तक भी स्टोर करें तो वैसे ही क्रिस्पी और कुरकुरा बना रहे। और इसे बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है ताकि चूड़ा क्रिस्पी और कुरकुरा बने, तो वही सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चिवड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये पतला वाला पोहा, आप देख सकते हैं इस तरह का ये आता है, मार्केट में भी मिल जाता है। तो इसी पतले पोहे से हम ये चिवड़ा बनाने जा रहे हैं और यहाँ पर ये एक किलो का मैं बनाने जा रही हूँ चिवड़ा। और इसको हमें पहले अच्छे से रोस्ट कर लेना है, भून लेना है क्रिस्पी होने तक, ताकि बाद में जो चिवड़ा है वो नरम ना पड़े। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि इसको आपको बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक भूनना है। अब यहाँ पे इस पोहे को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये क्रिस्पी हो गया है, अच्छे से हमने इसे भून लिया है। यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा खाकर भी देख सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने इसे अच्छे से कुरकुरा भूना है या नहीं। तो यहाँ पे हमने ये पोहा को रेडी कर लिया है भून करके। अब यहाँ पे मैंने ली है छन्नी और इस पोहे को हम थोड़ा सा पहले छान लेंगे ताकि जो बारीक वाला पोहा है वो नीचे ही रह जाए और हमारा जो चूड़ा है वो प्रॉपर बने। तो ये देखिए इस तरह से ये बारीक वाला जो पोर्शन है ये निकल जाता है। और इस पोहे को अब हम अलग निकाल करके रखते जाएंगे और बाकी के पोहे को भी हम इसी तरह से छान लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सारा ही पोहा अच्छे से छान लिया है और यहाँ पे अब हमारा पोहा रेडी है चिवड़े के लिए। अब चिवड़े के लिए हम तैयारी देख लेते हैं। तो यहाँ 150 ग्राम रोस्टेड चना लिया हुआ है, उसके बाद ये कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं कच्चे वाले जो चिवड़े वगैरह में डलते हैं, इसे मैंने लिया है 100 ग्राम। तो ये आपको मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2 कप मैंने पफ राइस लिया है जिसे मुरमुरा कहते हैं, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1.5 कप मूंगफली ली है। उसके बाद यहाँ पे 10 से 12 मैंने हरी मिर्च ली है कट करके, इसे लंबा सा कट कर लिया है, आप इसे छोटा छोटा भी कट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज को स्लाइस में कट करके लिया हुआ है और करी लीव्स लगने वाली है, मीन्स कड़ी पत्ता, और ये सारी चीजें हमें चिवड़े के लिए लगने वाली है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 2 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है खड़ा धनिया, इसके साथ लिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 7 से 8 मैंने यहाँ पे कट करके सूखे नारियल लिए हैं, और 1 चम्मच अजवाइन लगेगी और 1 चम्मच हमें यहाँ पे चीनी लगेगी। और ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही निकाल के रख लेनी है ताकि कोई चीज़ें आपसे मिस ना हो। इन सारी चीज़ों से ही चूड़े में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि ये चूड़ा हम मार्केट स्टाइल बना रहे हैं जैसा कि मार्केट में मिलता है। अब मैंने यहाँ पे बड़ी कढ़ाई ली है और इसमें अब हम ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल रखेंगे ताकि हमें चीज़ें फ्राई करने में इजी हो, और इसे अब अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम ये डाल देंगे मुरमुरा और इसे हमें अच्छे से फ्राई करके निकालना है। इसे फ्राई करने से मुरमुरा अच्छा क्रिस्पी रहेगा और चूड़े में नरम नहीं पड़ेगा। तो देखिए अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मुरमुरे को फ्राई कर लिया है और उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे मूंगफली, और इसको भी हमें अच्छे से तलना है, फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे जो पीनट्स है ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप यहाँ पे इसको भी टेस्ट करके पहले चेक कर सकते हैं कि ये फ्राई हुए हैं नहीं, और उसके बाद फिर आप इसे निकाल लीजिए। अब इसे फ्राई होने के बाद हम यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आपकी गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखना पड़ेगा ताकि इस तरह से क्रिस्पी फ्राई हो, ताकि ये कच्चा ना रहे। तो ये देखिए इस तरह से ये फ्राई होना चाहिए। तो अब इसे भी हम निकाल लेंगे अलग से एक प्लेट में। अभी ये सारी चीजें फ्राई हो गई है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल निकाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा है 1 किलो चूड़े के लिए ऑयल। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और साथ में ये मिर्च, प्याज और करी लीव्स, और इसको हमें अच्छे से फ्राई होने देना है जब तक ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। जब प्याज थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ये सूखे वाले कट किए नारियल। तो देखिए इस तरह का ये टेक्सचर होना चाहिए प्याज का। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये खड़ा धनिया, सौंफ। अब इसमें ऐड कर देते हैं ये रोस्टेड चना, इसे एक बार अच्छे से चला लेते हैं। और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अजवाइन, और उसी के साथ अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई होने देना है। तो देखिए यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। तो इस तरह से आपको प्याज को पहले अच्छे से फ्राई कर लेना है, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, और साथ में 1 चम्मच चीनी, और ये 1/2 छोटी चम्मच काला नमक।
और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को लो कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि प्याज को आपको हल्का सा और फ्राई करना है ब्राउन होने तक, क्योंकि अगर प्याज कच्चे रह गए तो चूड़ा नरम पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे अभी आप प्याज का टेक्सचर देख सकते हैं, इस तरह से आपको इसे ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और अब इसमें हम पोहा ऐड कर देंगे। अब उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड वाले कॉर्नफ्लेक्स, और साथ ही में यहाँ पे ये मुरमुरा और ये पीनट्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ में। आप यहाँ पे मसाले आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, जितना भी आपको कलर या फिर आपको तीखा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे हमारा चूड़ा बन करके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी बना है, बहुत ही अच्छा बना है, जैसे मार्केट में मिलता है वैसा ही। और इसे आप महीनों तक भी स्टोर करेंगे ना तो भी ये इसी तरह से क्रिस्पी बना रहेगा, बस इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ पे हमारी प्याज भी बहुत अच्छे से फ्राई हुई है, तो इस पतले पोहे से बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा चूड़ा बनकर के रेडी हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स भी है नमकीन में, तो आप भी इस चूड़ा रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।